हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष देवी। प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की लौकी। यह लौकी यह हमने धुल के छील के काट के रख दी है। यह चने की दाल यह हमने धुल के 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दी थी। यह है टमाटर, यह अदरक, हरी मिर्च और प्याज, और इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च, तेल, हरा धनिया, ये सब सामान हम चने की दाल की लौकी में डालेंगे। अब हम कुकर में पानी डालने जा रहे हैं। अब हम नमक डाल रहे हैं, हम ढक रहे हैं ऐसे ताकि इसका उफान उतार दें। दोस्तों, अब हमारा उबाल आ चुका है। अब इसके हम लौकी डालने जा रहे दाल की लौकी हमारी बन चुकी है। लाल मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, प्याज, अब डालेंगे हम हींग। जिससे हमारे टमाटर जल्दी पक जाएं, आप डालेंगे हम थोड़ा नमक। हल्दी, लाल मिर्च, वो थोड़ा गर्म मसाला, मसाले हमारे तेल छोड़ने लगे हैं।
दाल छोड़ने रहे। दाल हमारी बहुत बढ़िया बन चुकी है और लोहे की कढ़ाई की छुपी हुई अलग ही दिखाई देती है, इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया। गाजर हमने धुल के छील के साफ कर लिए हैं, अब इन्हें हम कद्दूकस करने जा रहे हैं क्योंकि इसका बनाएंगे हम रायता। गाजर हमने सभी कस लिए हैं, अब हम कुकर में रखने जा रहे हैं। गाजर को हम कुकर में उबालने रख रहे हैं। एक कटोरी आटा मक्का, और एक कटोरी आटा चावल, एक कटोरी आटा गेहूं, और तो इसके आटे के पराठे बनाएंगे हम। अब डालेंगे हम जीरा। अब डालेंगे हम अजवाइन। अब डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। नमक, यह कसूरी मेथी, अब हम इसे गूथने जा रहे हैं। पानी हमने हल्का गुनगुना लिया है। आटा हमारा मक्का तैयार हो चुका है। ये हमारा दोस्तों मट्ठा है, इसे छाछ भी बोलते हैं। अब हम इसमें गाजर डाल रहे हैं। हम उबली हुई गाजर डाल रहे हैं।
पिट्ठे का छोक तैयार करने जा रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं तेल। लाल मिर्च, जीरा, पीली सरसों, हरी मिर्च, हरा धनिया, रायता मसाला, चुटकी भर लाल मिर्च, ये काला नमक, तो ये हमारा पराठा बनाया है हमने मिक्सी आटे का। आप भी बनाना, आके देखना कितना टेस्टी बनता है। जाड़ों के मौसम में घी जम जाता है। दोस्तों ऐसा खाना आप भी बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और अपने बच्चों से खाने के बारे में भी पूछना कैसा बना। और आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए।